हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर सभी मित्रों का स्वागत है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। अब हम पढ़ा रहे थे मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन में बर्थ तक पढ़ा दिया था। आज का टॉपिक है ब्रीथ, तो चलते हैं देखते हैं ना ज्यादा देर करते हुए ब्रीथ से रिलेटेड थ्योरी, ठीक है। ब्रीथ से रिलेटेड थ्योरी देखते हैं, फिर इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो ब्रीथ से रिलेटेड थ्योरी देखना, मेंसुरेशन में सॉल्व करना है, तो कुछ टर्म के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। ये मेरा ब्रीथ हुआ, ये इसका सेंटर हुआ, यहाँ से इसकी त्रिज्या हो गया, ठीक है। अब केंद्र से जाता हुआ ये रेखा इसका व्यास होता है, ये सब कॉमन चीजें। आगे देख लेते हैं ब्रीथ में आप क्या क्या हमको जानना पड़ेगा। तो पहले ब्रीथ से रिलेटेड हम देख लेते हैं, व्यास क्या होता है ब्रीथ का, त्रिज्या का दुगुना होता है परिमिति। तो फॉर्मूला जानना होगा तो वो 2πr होगा, ठीक है। क्षेत्रफल जानना होगा तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हम परिमिति को 2πr या πt कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये व्यास जो है b बराबर कितना है, 2r है, तो 2r की जगह पे हम बिठा के πd भी कर सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर ये हो गया। अब इसमें और भी टर्म को समझना होता है, ठीक है। मान लेते हैं हम हटाते हैं ब्रीथ, बता दिए हैं, थोड़ा अर्धब्रीथ पे चलते हैं, ठीक है। तो यदि यदि अर्धब्रीथ की परिमिति बताना हो तो क्या होगा, अर्धब्रीथ की परिमिति ये यहाँ से लेकर ये और इधर से ये वाला भी होगा, ठीक है। तो अर्धब्रीथ की परिमिति क्या होगा, यहाँ से पाई है और ये 2r, ये हो जाएगा अर्धब्रीथ की परिमिति। क्षेत्रफल होगा क्या, बस वृत्त का आधा होगा, अर्धब्रीथ का क्षेत्रफल, अर्धब्रीथ का क्षेत्रफल, ये सब फॉर्मूला याद रखना है। इंसुलेशन में पाई स्क्वायर बाई टू हो गया। और टर्म ऑफ वृत्त में हमको जानना है कि सेंटर है इस तरह से ये फिगर बना, ओ ए बी चाप ए बी और इधर ओ, ये फिगर जो बनता है ये क्या है, त्रिज्यीय खंड है, ठीक है। ये त्रिज्यीय खंड में यहाँ एक थीटा होता है। अब ये त्रिज्यीय खंड का यदि क्षेत्रफल जानना हो तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब कहे त्रिज्यीय खंड की परिमिति निकालना है तो यहाँ से लेकर ये और ये घेरा टोटल इसका क्या कहलाएगा, परिमिति कहलाएगा, ठीक है। तो त्रिज्यखंड की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड की परिमिति, परिमिति बराबर होता है थीटा बटा 360 टू पाई आर, ठीक है, ये होता है। और भी फॉर्मूला होता है, देख लेते हैं। ये त्रिज्यखंड हो गया, यदि हम यहाँ से इसको इस तरह से मिला दे, ठीक है, यहाँ से इस तरह से मिला दे, ये वाला भाग जो बन रहा है, ये वाला भाग तो ये क्या कहलाता है, वृत्तखंड। और एक तरह से ये इधर से इतना छोटा बन रहा है, ये लघु वृत्तखंड हो गया, इधर से ये इतना बड़ा है, ये क्या कहलाता है, दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। तो लघु वृत्तखंड का यही देख लेते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल जो भी कॉमन हो सबके लिए यूज हो जाता है, क्योंकि ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसको घटाते हैं तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलता है। ये कॉमन फॉर्मूला याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ये भी रहता है, लघु वृत्तखंड का परिमिति निकाले, ठीक है। इसका परिमिति यदि लिखना चाहेंगे तो परिमिति क्या होता है, यहाँ पे होगा थीटा बटा 360, ठीक है, 2πr माइनस 2r sin थीटा बाय 2, ठीक है। लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो थीटा बटा 360 पाई स्क्वायर माइनस 1/2r sin थीटा होता है, और परिमिति जो होता है थीटा बटा 360 2πr माइनस 2r sin थीटा होता है। और भी देखते हैं,
अब चाप की लंबाई का फॉर्मूला देखते हैं। ये जो चाप ए बी है, ये लघु चाप ए बी की लंबाई, लघु चाप ए बी की लंबाई, लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? 360 2 पाई है, ठीक है। और ठीक है, लघु चाप ए बी की लंबाई 360 2 पाई आर होता है। त्रिखंड की परिमिति में आप ऐड कर लीजिए 2R होता है, ठीक है। त्रिखंड की परिमिति थीटा बटा 360 2 पाई आर प्लस 2R होता है, क्योंकि ये थीटा बटा 360 2 पाई आर जो होता है सिर्फ चाप की लंबाई होता है, तो इसमें 2R जुड़ जाएगा, तो ये त्रिखंड की परिमिति हो जाएगा। ये जो L होता है चाप की लंबाई, ये थीटा इंटू आर भी होता है, ये भी हम फॉर्मूला में यूज करते हैं, ठीक है। और भी थ्योरी देखते हैं इस पे, जैसे आप देख सकते हैं इसमें हम थ्योरी बराबर त्रिज्या का तीन वृत्त इस तरह से टच करता हुआ रखा जाए, ठीक है। बराबर त्रिज्या का, तो इस तरह से एक आकृति बनेगा, और ये जो खाली स्थान यहाँ पे है इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका हमको फॉर्मूला निकालना होता है। इसका फॉर्मूला निकालना होता है तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? ये जो डार्क भाग है, छायादार भाग है, तो छायादार भाग का क्षेत्रफल जब तीन समान त्रिज्या के वृत्त से घिरा हुआ जो छायादार भाग है उसका क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो वो निकलेगा कैसे? तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सब त्रिज्या सेम है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी सेम, यहाँ से यहाँ की दूरी सेम, यहाँ से यहाँ की दूरी सेम, ये बन क्या जाएगा? एक समबाहु त्रिभुज। तो जब समबाहु त्रिभुज बन जाएगा तो लिखेंगे छायादार भाग का क्षेत्रफल बराबर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये देखिए, ये आर है, यहाँ से ये आर है, तो आर जुड़ के इसकी भुजा क्या हो गया? 2R² हो गया, माइनस तीन त्रिज्य खंड यहाँ से बना है, तो तीनों त्रिज्य खंड का हम क्षेत्रफल यदि घटा देते हैं थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये तो यहाँ पे थीटा समबाहु त्रिभुज का कितना होता है? 60 होता है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, तो क्या होगा? 60 6 यहाँ से 3 9 6, यहाँ देखते हैं तो √3/4, ये 2 2 4R² माइनस इधर क्या हो गया? 1/2 πr² ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, 4 से 4 यहाँ कट गया, तो बचा क्या? देख लीजिए, मान लेते हैं हम R² कॉमन दोनों जगह से लेते हैं, तो यहाँ √3 और 1/2 π बच गया। तो जब समान त्रिज्या के वृत्त के द्वारा तीन वृत्त एक साथ रखा जाए, तो उसके द्वारा ये जो घिरा हुआ डार्क क्षेत्र है, छायादार क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल √3 -1/2 π होता है। इसको आप और कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 0.161 R² होता है, ठीक है। इतना का वैल्यू ये भी पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, तो इस पे क्वेश्चन आते रहता है हमेशा। तो किस तरह से ये सॉल्यूशन निकला, किस तरह से ड्राइव होके फॉर्मूला निकला, इसे आप देख लीजिए। और भी देखते हैं, थोड़ा सा पॉज करते हैं और वृत्त से रिलेटेड और टॉपिक देखते हैं। जिससे रहे चार समान त्रिज्या वाले वृत्त, ठीक है। थोड़ा बढ़िया से ठीक है, चार समान त्रिज्या वाले वृत्त से घिरे ये जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? इस तरह से यदि इसके केंद्र को मिलाते हैं, इस तरह से इसके केंद्र को मिलाते हैं, मान लेते हैं C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, तो समान त्रिज्या है तो भुजा कितना कितना लंबा हो जाएगा? 2R हो जाएगा, ठीक है। भुजा जो होगा ये एक वर्ग बन जाएगा, भुजा 2R हो जाएगा। ये छायादार भाग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है उसे देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे छायादार भाग का क्षेत्रफल जब चार समान वृत्तों के द्वारा ये घिरा हो, तो यहाँ क्या होगा? ये देखिए यहाँ से वर्ग बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, तो ये चार त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे वर्ग के क्षेत्रफल में, तो ये बच जाएगा ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 2R²
माइनस, अब चार तिरछखंड बन रहा है तो एक वर्क का एंगल कितना 90 डिग्री यानी थीटा बटा 360 लेंगे तो 90 बटा 360 पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह पे तो आर ही है आर स्क्वायर, लेकिन चार त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हटाना है तो यहाँ पे चार, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 आर स्क्वायर माइनस यहाँ से 9 चार 36, ये चार से चार खत्म हो गया, ठीक है। तो ये रह गया कितना 22 बटा 7 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यदि कॉमन ले लेते हैं तो 4 माइनस 22 बटा 7 इसके कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 22 बटा तो 6 बटा 7, तो 6 बटा 7 आर स्क्वायर। चार समान त्रिज्या के वृत्त के द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल जो है छायादार क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या निकल गया 6 बटा 7 आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या रहता है आगे, इस तरह से एक वृत्ताकार कोई पार्क है इसके अंदर से रास्ता बनाया जाए या वहां से रास्ता बनाया जाए, तो एक बलय तैयार किया जा रहा है, तो इस बलय का क्षेत्रफल क्या होगा, वहां से बलय बने या अंदर से बलय बने उसके अनुसार हम निर्धारित करते हैं। मान लेते हैं पहले अंदर से बलय बना है, ठीक है, ये बड़ा सा वृत्त अंदर से बलय बना है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना आर मान लेते हैं, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना स्मॉल आर, कभी कभी चौड़ाई दिया रहेगा तो स्मॉल आर में जोड़ देंगे वो चौड़ाई तो कैपिटल आर निकल जाएगा। तो ये जो बलय का क्षेत्रफल है, बलय का क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकलता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, बाहर वाला वृत्त और अंदर वाला वृत्त का क्षेत्रफल यदि हम यहाँ पे पुट कर लें तो ये निकल जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से बाहर वाला के बड़ा आर बन जाएगा छोटा आर बन जाएगा, उसी के लिए हम बलय का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त से लगभग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हो गए, बाकी एप्लीकेशन आप इसी सारे टॉपिक से बना सकते हैं और उस पे आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वृत्त से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसपे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। वृत्त से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट लॉजिक बताना भूल गया था, इसको पहले देखते हैं तो उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं क्या एक लॉजिक ये है कि ये आर हो गया यहाँ पे परिमिति या परिधि और ये क्षेत्रफल वृत्त का, इसमें होता क्या है ना, जैसे मान लेते हैं जब त्रिज्या 7 है तो परिधि कितना होता है 44 होता है, क्षेत्रफल कितना होता है 154 होता है, जब त्रिज्या 14 है तो परिधि 88 होता है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है 616 होता है। इसी तरह से ये यदि 21 है तो ये कितना होता है 132 होता है और ये होता है 15 शायद ये 36 सात में 3 अच्छा 38 होता है। तो यहाँ पे एक लॉजिक ये है ना कि जो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी, ठीक है, और आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए, आर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी, पी मतलब परिधि एरिया जो भी बोलिए, आर स्क्वायर जो होता है क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब क्या देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है 7 गुना 14 त्रिज्या कितना गुना हो रहा है त्रिज्या 2 गुना हो रहा है, तो देखिए परिधि कितना था 44 तो परिधि भी 2 गुना हो गया, तो त्रिज्या जितना गुना बढ़ा उतना गुना इसका परिधि बढ़ गया। लेकिन अब देखिए जब 7 सेंटीमीटर था तो यहाँ पे एरिया कितना है 154 सेंटीमीटर है, यहाँ दुगना हुआ है लेकिन ये कितना हो गया 154 का 4 गुना हुआ है, यानी कि आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये एरिया चल रहा है ना, उसी तरह से 7 दिया 21 यहाँ पे 3 गुना हुआ है त्रिज्या, तो देखिए 3 गुना हो गया है क्या इसका व्यास 4 दिया 12 और सॉरी परिधि 4 दिया 12 4 दिया 12 13, अब यहाँ पे ये 3 गुना हुआ था 3 दिया 9 गुना देखना होगा, तो मतलब 36 7 में 3 15 9 35 से तो 35 से तो ये 8 3 जुड़ गया तो 100 1386
तीस गुना से बढ़ता है। तो जनरली आप 7 और 14 याद रखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे रहता है। तो आप 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप फट सा फटाफट निकाल लीजिए आर का वैल्यू 7, या फिर 7 दिया हुआ परिधि निकालना है, या फिर परिधि दिया हुआ तो त्रिज्या निकालना है। तो ये सिर्फ दो आप याद रखिएगा, तो बहुत सारे कैलकुलेशन को आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। बाकी और लॉजिक याद रखिए, तो जितना आगे जा सकते हैं 7 की गुना जुड़ी है, फिर कुछ भी रहे उसके अनुसार। 7 इसी भी एक भी है कि पाई रूट 7 से कटने वाला होता है, जनरली उससे कटने वाला ही वैल्यू दिया जाता है। अब हम वृत्त से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो वृत्त पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं, वही यहाँ पे मैंने लिखा है। किसी वृत्त के परिधि और व्यास का अंतर 74 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है। व्यास का क्या होता है? 2 आर। ये दोनों का अंतर कितना है? 74 सेंटीमीटर। ये हमारा इक्वेशन बन गया, आप इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं, तो देखिए 2 आर 2 आर यहाँ कॉमन है, तो 2 आर बाहर निकाल लेते हैं, बच गया अंदर में पाई, तो 22/7 बच गया, -1 बच गया, यहाँ 74 बच गया, ठीक है। 74, अच्छा निकल बदलते हैं, कटने वाला लेते हैं, क्योंकि आगे जो आएगा ना वो कुछ और आने वाला है, यहाँ पे हमको दिख गया, इसलिए चेंज कर लेते हैं। तो 2 आर इक्वल टू ये होगा कितना? 7, और 22/7 जाएगा कितना होगा? 22/7 जाएगा, चलिए मैंने चेंज तो कर दिए, हो सकता है दूसरा भी चेंज करना पड़ जाए। दोबारा हम सत गया, ओहो 77 नहीं 75 कर लिया, 75 कर लेते हैं, ठीक है। ये 74 नहीं था, 75 था, वहां पे लिखने में गलती हो गया था, क्योंकि 15/22/7 जाएगा तो बचेगा कितना? 15/7 आएगा, और इधर 75 है, तो ये हो जाएगा कितना? 15/75। और आर इक्वल टू यार कितना हो जाएगा? 15/75, 7/35, 35/2 हो गया, ठीक है। आर का वैल्यू कितना हो गया? 35/2 हो गया। अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप, पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 22/7 × 35/2 × 35/2। यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 7/5 35, 11 × 22, सॉरी 11 × 22 एक बार में कट गया, तो ऊपर कितना हो गया? 11/55 और गुने 35/2, इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आगे का आंसर आप खुद निकाल लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर किसी घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर है, तो उसके द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? किसी घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर है, तो उसके द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप पूछकर उसके थोड़ा सा अप्लाई करके एप्लीकेशन तौर पे पूछ दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, घड़ी के मिनट की सुई के द्वारा, ठीक है, घड़ी के मिनट की सुई के द्वारा, मिनट के सुई के द्वारा मान लेते हैं इस तरह से त्रिज्यखंड बनाया जा रहा है। ये घड़ी की सुई की लंबाई कितना? 1.4 सेंटीमीटर। तो यही काम तो है यहाँ, सबसे पहले घड़ी की मिनट की सुबह की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर, उसके द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सॉरी उसके द्वारा द्वारा क्वेश्चन छूट गया है, यहाँ पे क्वेश्चन था 12 मिनट में, ठीक है, उसके द्वारा 12 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 1 मिनट में सुई के द्वारा कितना एंगल बनाया जाता है? टोटल 360 डिग्री बनता है, 1 मिनट में 360 भाग बटा जाता है, तो 1 मिनट में कितना बन रहा था? 6 डिग्री। तो 12 मिनट में कितना बन जाएगा? 12 × 72 डिग्री का एंगल बनेगा, तो थीटा बटा 360 होता है, यानी कि 72/360 हो जाएगा, और 22/7 × r² 1.4 × 1.4, ठीक है, ये हो जाएगा बटा 10, ये हो जाएगा बटा 10, यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो कितना होगा? 72/5, ठीक है, बाकी का कैलकुलेशन तो कर लीजिए, गुणा भाग है ये, ठीक है, फिलहाल तो अभी टाइम लगेगा कैलकुलेट करना है, गुणा भाग करना, लेकिन इस तरह से बाकी का कैलकुलेशन नोट कर लेना। नीचे देखते हैं, किसी त्रिभुजाकार खेत के तीनों शीर्षों पर गायों को इस प्रकार बांधा गया है कि वे एक दूसरे को छू सके, यदि प्रत्येक की रस्सी
की लंबाई समान हो तो कितने क्षेत्रफल में नहीं चढ़ पाएगी, ठीक है, कितने क्षेत्रफल में नहीं चढ़ पाएगी। तो यहाँ ध्यान देना है, इसको हम फिगर ऊपर बताते हैं, इससे रिलेटेड थ्योरी हमने वीडियो में बता दिया है, इसी वीडियो में। किसी त्रिभुजाकार के तीनों शीर्षों पर बांधा गया है, तीनों शीर्ष पे बांधा गया है और रस्सी की लंबाई सेम कह रहा है, मतलब कि वही कंडीशन फिर से पैदा हो रहा है, ठीक है। इसके द्वारा देखिए गाय टच करेगा तो ये वाला क्षेत्रफल नहीं चल पाएगा, पाएगी गाय, ठीक है। तो यही क्षेत्रफल उनको निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया गया था, रूट थ्री माइनस पाई बाई टू आर स्क्वायर। एक और काम करना है, 0.161 आर स्क्वायर भी बताया गया था। तो रस्सी की लंबाई कितना है देख लीजिए, किसी त्रिभुजाकार खेल के तीनों शीर्षों पर गायों को इस प्रकार बांधा गया कि वे दूसरे को छू ना सके, प्रत्येक की रस्सी की लंबाई समान हो तो कितने क्षेत्रफल नहीं चढ़ पाएगी। तो देखिए फिर एक क्वेश्चन हमने गलती लिख दिया है, थोड़ा जल्दी जल्दी में, किसी त्रिभुजाकार खेत के तीनों शीर्षों पर गायों को इस प्रकार बांधा गया है कि त्रिभुज वे दूसरे को ना छू सके। मान लेते हैं रस्सी की लंबाई 10 मीटर है, ठीक है, तीनों रस्सी की लंबाई 10 मीटर है, क्वेश्चन छूट गया है, तो क्या हो जाएगा, 0.161 × 100, ठीक है, क्योंकि 10 × 10 हो जाएगा, तो कितना क्षेत्रफल पे गाय है जो नहीं चढ़ पाएगी, तो 100 से गुना करेंगे, इधर पॉइंट किसके का था, 16.1 मीटर स्क्वायर, इतना पे गाय नहीं चढ़ पाएगी, ठीक है। किसी त्रिभुजाकार खेत के तीनों शीर्षों पर गाय इस प्रकार बांधा गया है कि एक दूसरे को वो छू सके, यदि प्रत्येक की रस्सी की लंबाई समान हो तो इतने क्षेत्र में नहीं चढ़ पाएगी, और रस्सी की लंबाई प्रत्येक का कितना मान के चल रही है, मानते हैं 10 मीटर, ठीक है, तो ये 16.1 मीटर स्क्वायर पे गाय है जो नहीं चढ़ पाएगी। और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखते हैं कुछ और क्वेश्चन से रिलेटेड जो है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 समान वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने थ्योरी बताया था कि समान वृत्त, समान त्रिज्या के 4 वृत्त से इस तरह से जब घिरता है तो ये उसकी त्रिज्या को मिलाते हैं तो वो वर्ग का निर्माण करता है, आपको निकालना है यहाँ का क्षेत्रफल। 4 समान त्रिज्या वाले वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये वृत्त थोड़ा छोटा छोटा हो गया, उसको आप समझ भी समझ वाले, ठीक है। तो इस क्षेत्र का क्या क्षेत्रफल होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने क्या बताया था, ड्राइव करके फॉर्मूला बताया था 6/7 r² जब ड्राइव किया था तो फॉर्मूला ये आया था इसके क्षेत्रफल का। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से आप, ये है r सबका इक्वल, इसको आप पुट कीजिए और बस सॉल्व कर लीजिए। तो 6/7 गुने त्रिज्या कितना है, 14 × 14, तो 7 × 14 6 × 12 12 × 14 कितना होता है, 168 हो जाता है, 168 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 48 मीटर है जिसके अंतर्गत चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक ही है, फिर भी देखिए इस क्वेश्चन को। ये पार्क है, इसके अंतर्गत 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, इस तरह से ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता, तो यहाँ से यहाँ कितना 48 है, 5 मीटर रास्ता घट जाएगा तो ये हो जाएगा अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या कितना 43। तो एक बलय बन गया, एक तरह से ये बलय बन गया, तो बलय का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या बताया था, πr² − πr² पाई कॉमन लेकर रखा था, r² − a r। अब देखिए a² - b² के फॉर्मूला पे यदि हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा, r × r r - r,
तो क्या होगा, ये 22/7 गुने आर और आर जुड़ेंगे तो 48 और 43 कितना होता है 91, दोनों का अंतर कितना होता है 5, कह सकते 91। तो हो गया कितना, ये 22/5 = 110 × 13, आप इसको निकाल लीजिए, कह सकते 91 है, ये दोनों का अंतर हो गया इतना, बाकी तो ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो 22/5 = 13 × 11 कितना होता है 3 4, ये 1430 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर इस तरह से हो जाए। दोस्तों वृत्त से रिलेटेड जितने भी टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक था, उसका थ्योरी हमने देख लिया, उसके आधारित क्वेश्चन देख लिया। आपको यदि लगता है और भी कुछ क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के होते हैं और भी क्वेश्चन, तो आप हमारे कमेंट में लिखिए, हम उसे सॉल्व करके बताएंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।